दोस्तों मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि आप थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने चैनल के लिए थंबनेल कैसे बनाता हूँ और कौन सा ऐप यूज करता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेकी अभिनव। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में आपसे थंबनेल के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला हूं कि मैं कौन सा ऐप यूज करता हूं, कैसे थंबनेल बनाता हूं, पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि मैं कौन सा ऐप यूज करता हूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं पिक्सआर्ट ऐप का यूज करता हूं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप में वो इमेज ओपन कर लेना है जिस इमेज को आप थंबनेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नीचे आपको टूल्स लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दीजिए जिससे इमेज थोड़ी क्लियर हो जाए और थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमको अब ड्रॉ में जाना है। मैंने ड्रॉ खोजा, ड्रॉ में गया। ड्रॉ में मुझे जाने के बाद यहाँ से आपको कलर चूज करना है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो चूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे येलो चूज कर लिया। अब यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके यानी टिक बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको स्क्वायर और राउंड टाइप का कुछ आइकॉन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ऐसा ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे राउंड पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिल सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस इमेज को थोड़ा छोटा करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे कुछ स्लाइड करना है और ऐसा कुछ राउंड शेप बनाना है। इस शेप को बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन आपको कलर चूज करना है। कलर चूज करने के लिए आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं डार्क ग्रे चूज करने वाला हूँ, तो आप भी वही चूज कर सकते हैं या कोई अदर कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डार्क ग्रे चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ से टिक बटन पे क्लिक करता हूँ। टिक बटन पे क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा। यहाँ से ये जो आइकॉन था इस पे जाना है हमको और रेक्टेंगल शेप चूज करना है। रेक्टेंगल शेप चूज करने के बाद आपको नीचे ये जो फिल वाला ऑप्शन है इस पे टिक होना चाहिए, स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, फिल होना चाहिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से स्लाइड करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप बनाना है। रेक्टेंगल शेप बनने के बाद आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं कि आपको कितने साइज का चाहिए। तो मैं यहाँ पे इतना साइज रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे हम। दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद आप जो टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट इमेज पे डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाउ टू हैक वाईफाई। अगेन यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चूज करें, आप फॉन्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। TTF फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है पिक्सआर्ट के लिए। तो मैंने ज़्यादा फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया है, 6-7 फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया है, वही मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप अपने पसंद से गूगल से TTF फॉन्ट फॉर पिक्सआर्ट सर्च करके फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने पसंदीदा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब टेक्स्ट का मुझे कलर सिलेक्ट करना है। कलर में जाएंगे, यहाँ से मैं ये कलर सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको एक और जो नीचे मैंने लेयर बनाया है ग्रे कलर का, उस पे आपको जो टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इन एंड्रॉयड, देन ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जिस टाइप से ठीक लगे उस टाइप से कर सकते हैं। आप फॉन्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने ये फॉन्ट चूज कर लिया है। तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं अपना चूज। यहाँ से आप कलर चेंज कीजिए। कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो कुछ इसका आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है। तो यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे, बस थंबनेल आपका तैयार है। यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इस इमेज को गैलरी में सेव कर लेना है। गैलरी पे क्लिक करेंगे आपका इमेज सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी